जी मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है सुजान सदर में 2018 से। मैं सिवान की जनता के लिए सेवा भाव से आई हूँ। मैं सिवान को आगे बढ़ाऊंगी, सिवान परिवार की सदैव सेवा में रहूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूँ आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे हिना शाह को लेकर के, जिस तरीके से आरजेडी के टिकट को उन्होंने ठुकराया, उसके बाद आज निर्दलीय जो है नामांकन भर चुकी हैं, और जिस तरीके से हिना शाह को अब समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है सिवान के उसी रणभूमि से जहां से उनके पति शहाबुद्दीन 4 बार के सांसद रह चुके हैं। लेकिन पति के इंतकाल के बाद से ही लगातार जो हिना शाह है आरजेडी उनको दरकिनार कर रही थी, और इसी बीच जिस तरीके से हिना शाह ने अब आरजेडी के जो कह सकते हैं ऑफर था उसको ठुकरा दिया, उसके बाद से आज नामांकन भी भरा, और जिस तरीके से हर समुदाय से उनको समर्थन मिल रहा है अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। क्या आरजेडी अब अपने ही फैसलों में फंसती हुई नजर आ रही है? बताते चले कि हिना शाह के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद भी उतर चुके हैं। उधर असदुद्दीन अवैसी भी जो है इस बात को कह चुके हैं कि हिना शाह को हर वाजिब समर्थन जो है देने का जो है दमखम रखते हैं और देंगे। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए अबरार मौजूद है हमारे साथ। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि हिना शाह करीब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख कुछ वोटों से हारी थी, अब जिस तरीके से उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर हम बात करें ठाकुर समुदाय और मुस्लिम वोट बैंक और जो कह सकते हैं यादव वोट बैंक जो है वो उनके साथ था, लेकिन अब आरजेडी से हटने के बाद क्या है उन्हें जो है आरजेडी का जो वोट बैंक है यादव वोट बैंक वो मिलता हुआ नजर आएगा, और लोग जो है इंडिया गठबंधन को हटाकर क्या अब निर्दलीय हिना शाह को समर्थन देंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अबरार मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिवान की राजनीति इस वक्त किस ओर जा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी, चंद्रशेखर आजाद जो है हिना शाह के समर्थन की बात कहते हैं, और आरजेडी के टिकट को हिना शाह ने ठुकराया, क्या अब सिवान में शहाबुद्दीन की विरासत को हिना शाह आगे ले जाते हुए नजर आएंगी? क्या इस बार वो अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई देखी जाएंगी? देखिए, हिना शाह उस सीट पर लगातार कोशिश कर रही हैं, और आप कह सकते हैं कि बीते कई जो है वर्षों से वो उस जो है उस सीट पर आम जनमानस के लिए काम भी कर रही थी, एक पकड़ उनकी सामाजिक जो है नेता के तौर पर थी, लेकिन अब जिस ढंग से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा है, जाहिर सी बात है कि जो है सैयद शहाबुद्दीन का जो राजनीतिक वर्चस्व उस सीट पर, उस पूरे क्षेत्र पर रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। और ख़ास तौर से देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करना हो या फिर और कई सीटों हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको जो है एक बड़ी जीत जो है मिल सकती है। बड़ा सवाल ये है कि ख़ास करके मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं बल्कि तमाम जो है अन्य जातियों के लोग भी उनके समर्थन में हैं, और इस वजह से उनकी जीत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा भी हो रही है, और ख़ास तौर से वहाँ पर जो आरजेडी ने आप कह सकते हैं कि एक तरीके से राजनीतिक तौर पर कहें तो धोखा ही दिया है, क्योंकि शहाबुद्दीन का जो एक राजनीतिक कद हुआ करता था कभी आरजेडी पार्टी में, और जिस ढंग से पूरे बिहार के जो है लगभग मुस्लिमों का वोट आरजेडी को दिलवाया करते थे, वो उस तरीके का उनका राजनीतिक कद था आरजेडी में, लेकिन आप देखें कि आज किस तरीके से आरजेडी पार्टी ने इस पूरे मामले को जो है ताक पर रख कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम किया है, और अब जो है हिना शाह में जो निर्दलीय वहाँ से प्रत्याशी जो है बनने का ठाना है, अब उस कदम में जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, और जिन जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वादे किए हैं साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि उन वादों को वो पूरा करती हुई नजर आएंगी, और उसको लेकर के वो प्रतिबद्ध भी हैं। फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो सिवान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से जो खबरें आ रही है, ग्राउंड जीरो की खबरें, उन खबरों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि उस पूरे के पूरे जो है इलाके में जो है हिना शहाब का इस वक्त जो है दबदबा और बोलबाला नजर आ रहा है, और वोट के तौर पर भी जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चुनौती ज़रूर है, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि गठबंधन के तौर पर जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं उनके पक्ष में लोग वोट न बिखरने के कारण वोट करने पर मजबूर होते हैं, तो अगर जनता इन तमाम बातों से ऊपर उठ करके वोट करेगी, काम के बिना पर वोट करेगी, शहाबुद्दीन ने जो इस इलाके के लिए काम किया, जो विकास कार्य जो है लोगों तक पहुँचाएँ, अगर उस बिना पर जनता उनके काम को सराहते हुए हिना शाह को अगर वोट करती तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो जीत है पूरी तरीके से यकीनी मानी जाएगी।
जीत उनकी यकीनी मानी जाएगी। लेकिन एक अहम सवाल यह भी है कि जिस तरीके से एक बड़े चेहरे को सीवान से आरजेडी ने मौका दिया है, अवध बिहारी चौधरी जो कि पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं विधानसभा के, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोग इंडिया गठबंधन से ऊपर हट के या अलग हट करके क्या हिना शहाब और या पप्पू यादव जैसे जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा जताएंगे, क्या जो है इनके समर्थन में बात कहते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही एक सवाल यह भी रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी के समर्थन से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है हिना शहाब के चुनावी रणनीति। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि जनता जितने लंबे समय से बिहार की राजनीति को समझ रही है, खास तौर से चूंकि बिहार में अब राजनीति के तौर पर मात्र सत्ता के लोभी जो लोग हैं वो रह गए, चाहे नीतीश कुमार हो, आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो। अब सोचिए कि इस समय लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था कि जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की जो एक राजनीति कभी हुआ करती थी वो समाप्त हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि जनता मात्र अपने क्षेत्र का विकास देखेगी, अपने क्षेत्र के लिए जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसके पक्ष में वोट करेगी और इन सब आधार पर, इन सब पैमानों पर वो खड़ी उतरती है। असदुद्दीन अवैसी का समर्थन करना, चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करना, ये तमाम दो ऐसे फैक्टर हैं जिसके बिना पर उनको जीत मिलना पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि संभव नजर भी आ रहा है। दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में जा रहा है, बाकी जो अन्य जाति फैक्टर है वो भी उनके समर्थन में नजर आते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि बिहार में जो निर्दलीय कुछ प्रत्याशियों को लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा हुई है वो आखिरकार वोट के तौर पर किस तरीके से तब्दील होती है और क्या 4 जून को ये मामला पूरी तरीके से जो है इन जो है निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में जाता नजर आएगा। जी बिल्कुल, निर्दलीय जो चेहरे हैं उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अवध बिहारी चौधरी या फिर लक्ष्मी रानी कुशवाहा या फिर बात करें हम हिना शहाब की, इनकी सिवान से किसकी जीत होती है इन सबके बीच। लेकिन जिस तरीके से शहाबुद्दीन की पत्नी का जो समर्थन मिल रहा है, हम समर्थन जो देख रहे हैं, अपने आप में एक कई सवाल खड़े करता है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जो है हिना शहाब को कह सकते हैं दरकिनार करके एक बड़ी गलती कर दी है और क्या वहां पे अवध बिहारी चौधरी हैं वो भी नाकाम साबित होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए 4 जून का, जब फैसला पूरे देश के सभी लोकसभा सीटों का आएगा और उसमें भी परिणाम देख सकेंगे हम कि हिना शहाब आखिर बाजी मारती हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इससे खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।